हरेला पर्व के मौके पर देहरादून के करीब डोईवाला गांव पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए चिंता की नहीं बल्कि चेतना की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार 1 करोड़ पौधे लगाएगी। मुंशियारी स्टेट हाईवे में कालामुनी और बेटली धार के बीच एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा के सभा कक्ष में मतदान की व्यवस्था की गई है। 2 मतदान बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होगा। देश की सबसे उम्रदराज शेरनी स्वाति का कल गुवाहाटी के चिड़ियाघर में निधन हो गया। वो 21 साल की थी। जानकारों का कहना है कि इंसानों के हिसाब से वो 100 साल जी कर गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के हड़ोगी मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में मंदिर का कुछ हिस्सा भी आ गया। हालांकि अभी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने पहाड़ से पत्थरों के गिरने की आशंका जताई है। ओडिशा के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक पुल बह गया, साथ ही रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट गया। इलाके में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमन गोरंग ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो हालात और खराब हो जाएंगे। अलग राज्य की मांग को लेकर जारी आंदोलन को 32 दिन हो गए हैं। तेलंगाना में 2 SI भाइयों ने विवाद हो जाने पर एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की ये वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। SI भाइयों के खिलाफ मारपीट करने और सर्विस हथियार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव को राज्य में ड्रग का इस्तेमाल करने वालों की एक सूची दी गई। जानकारी दी गई कि लिस्ट में कई जानी मानी हस्तियों के नाम हैं, जिन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लोगों पर कड़ी और पक्षपात रहित कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए। AIADMK नेता ओ पनीर सेल्वम ने कल कहा कि अगर किसी को जयललिता की मौत की न्यायिक जांच कराने के बारे में मुख्यमंत्री पलनीसामी से कोई जवाब मिलता है तो वो उसे 10,000 रुपए का इनाम देंगे। पनीर सेल्वम ने कहा कि जब तक जयललिता की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, उनका धर्मयुद्ध जारी रहेगा।